हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनांस करियर। आई एम दिव्यांश कुमार रंजन। टुडे आई एम कमिंग विद वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू वैकेंसी का वीडियो लेके आया हूँ। इस बार वैकेंसी आई है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में। इसमें जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, बिल्कुल फ्रेशर के लिए वैकेंसी आई हुई है। क्वालिफिकेशन मांगा गया है बीकॉम। यदि आप बीकॉम क्वालिफाइड हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो मैं इस वीडियो में सारा चीज डिस्कस करने वाला हूँ, कितने नंबर ऑफ सीट के लिए वैकेंसी आई है, कहाँ पर आपका पोस्टिंग होगा, कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कितना आपका सैलरी बनने वाला है, कब तक इस फॉर्म फिलअप करने का डेट है, एवरीथिंग फुली डिटेल में डिस्कस होगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनी ऑफ द पीएससी एग्जामिनेशन लाइक सीबीएसई, ईसीआईएल, जीएसएल, पीएसपीसीएल, एससीसीएल, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोर्सेस आर अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट financecareer.in पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फिनांस का मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपके पास हर एक नोटिफिकेशन लाता है और आपके साथ डिस्कस करता है। तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इफ यू वांट दिस नोटिफिकेशन पीडीएफ, ए नोटिफिकेशन पीडीएफ अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को फुली डिटेल में देखते हैं। कंपनी का नाम है द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर में आता है। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर वैकेंसी आई है, यानी कि परमानेंट जॉब के लिए वैकेंसी आई है इस कंपनी में। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट डेट का। फॉर्म भरना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है आज से, 12th June 2024 से फॉर्म भरना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 2nd July 2024 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स पोस्ट की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 40 आई है, जिसमें एससी के लिए 6 सीट है, एसटी के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 13 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, अनरिजर्व के लिए 11 सीट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें से आउट ऑफ टोटल पोस्ट 1 सीट रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एंड 4 सीट अनरिजर्व फॉर एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। यहाँ पर अपर एज लिमिट 30 ईयर्स मांगा गया है, और जो एज पर गवर्नमेंट रूल जो रिलैक्सेशन मिलता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी ओबीसी एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, वो रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल्स। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपका मांगा गया है बीकॉम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स एंड 45% मार्क्स इन केस ऑफ एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। इसमें बीकॉम क्वालिफिकेशन मांगा गया है मिनिमम 50% मार्क्स उन कैंडिडेट के लिए है जो ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 45% मार्क्स मांगा गया है। बिल्कुल फ्रेशर का वैकेंसी है फ्रेंड। यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो 100% फॉर्म को फिलअप करिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट काफ़ी ज़्यादा आया है, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। और आप इस कंपनी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट financecareer.in पर विजिट करिए, वहाँ पर कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। स्केल पे की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में यहाँ पर आपका बेसिक 22,000 to 90,000 के बीच में आपका सैलरी मिलने वाला है पर मंथ। यहाँ पर आपका सीटीसी 6 lakh to 7 lakh के बीच में बनने वाला है। प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो प्रोबेशन पीरियड आपका 12 months का रहने वाला है फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। सर्विस बॉन्ड की बात करें तो सर्विस बॉन्ड पीरियड यहाँ पर 3 years का रहने वाला है, यानी कि आपको कंपनी 3 years तक सर्व करना पड़ेगा। यदि आप कंपनी 3 years से पहले छोड़ते हैं तो आपका 3 months का बेसिक पे जो सैलरी आएगा वो कंपनी को पे करना होगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी यहाँ पर ये लोग बता दिए हैं, फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी 1500 rupees है। यदि आप एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए सिर्फ इंटीमेशन चार्जेस ये लोग ले रहे हैं, एप्लीकेशन फी नहीं ले रहे, तो आपको 500 rupees पे करना होगा एप्लीकेशन फी के लिए। अब बात करते हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे फिलअप करिएगा। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको इनका वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। ये लोग बता दिए कौन सा वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर जाइएगा इनका वेबसाइट पर, तो आपको वहाँ पर रिक्रूटमेंट सेक्शन मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएगा तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा फॉर्म फिलअप करने का। और फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको ये पीडीएफ को अच्छे से गो थ्रू कर लेना है, क्योंकि इस पीडीएफ में सारा चीज़ बता दिए हैं कैसे
आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट मांगा गया है, कौन सा साइज में आपको फोटो अपलोड करना है, कौन सा साइज में आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, एवरीथिंग फुली डिटेल में बताया हुआ है। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले मस्ट आप इस पीडीएफ को एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा। इससे क्या हुआ कि आपको फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। तो ये पीडीएफ अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब बात करते हैं फ्रेंड एग्जामिनेशन सिटी का। तो ये लोग टोटल 11 सिटी में एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। पहला है मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पटना, जयपुर में आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला है। पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग आपका ऑल ओवर इंडिया में रहने वाला है। जहां पर कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट रहेगा, साइट रहेगा, ऑफिस रहेगा, वहां पर आपको पोस्टिंग देंगे इन लोग। तो यानी कि आपका पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस फॉर जूनियर असिस्टेंट अकाउंट पोस्ट के लिए, इसमें सिर्फ आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पर किसी तरह का इंटरव्यू नहीं होगा। यहाँ पर आपको 5 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें आपको 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपका एग्जाम का ड्यूरेशन रहेगा 120 मिनट्स, जो कि आपका 2 आवर्स का एग्जाम आपका कंडक्ट होने वाला है। यहाँ पर 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है फ्रेंड, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है 0.25, यानी कि 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। तो मैं इसका फुल्ली डिटेल सिलेबस एक आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा, जल्दी ही लाऊंगा, उससे आपको पूरा सिलेबस समझने में इजी हो जाएगा। तो मैं उसी वीडियो में पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं। तो आज मैं बता दिया कि आपका पेपर पैटर्न किस टाइप का रहने वाला है। जो इन लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी जो एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, उसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा। फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज है 40% मार्क्स आपको लाना होगा। यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 35% मार्क्स आपको लाना होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास करने के लिए। तो फ्रेंड ये रही थी द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। नंबर ऑफ सीट 40 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी देखने के लिए मिला है इस कंपनी में। यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो 100% आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। सिर्फ यहाँ पर क्वालिफिकेशन में बीकॉम मांगा गया है विथ 50% मार्क्स फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 45% मार्क्स भी है बीकॉम में, तो भी आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो आप इस वैकेंसी को 100% फिलअप करिएगा। और आप इस कंपनी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट financecareer.in पर विजिट करिए, वहाँ पर कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो फ्रेंड आपको नोटिफिकेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों पास शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।